स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, जो कि भारत के प्रधानमंत्री रहे, वे किसानों के मसीहा थे। उनके 116वें जन्मदिवस के अवसर पर भारत एवं उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिन को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, जिसमें जिन किसान भाइयों ने अच्छा काम किया, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में हों, गेहूं, धान उत्पाद एवं बकरी पालन, मत्स्य पालन में हों या उद्यान विभाग में, और उनका उत्पादन ज्यादा रहा है, ऐसे 32 कृषकों को जिलाधिकारी द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र पर सम्मानित किया गया, जिसमें प्रथम पुरस्कार 7,000 रुपये एवं द्वितीय पुरस्कार 5,000 रुपये रखा गया। पुरस्कार के साथ प्रशस्ति पत्र भी किसानों को दिए गए। इसमें ये स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, जो अपने भारत के प्रधानमंत्री रहे, किसानों के मसीहा रहे हैं, उनकी जन्म दिवस के अवसर पर भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, इसको किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। इसमें हम उन किसान भाइयों को जिन्होंने अच्छा काम किया है, चाहे वो गेहूं के लिए किया हो, धान के लिए किया हो, या मुर्गी पालन में, बकरी पालन में, या मत्स्य पालन में, या उद्यान विभाग में, तो जिन्होंने अच्छा काम किया है और उनका जो है उत्पादन ज्यादा रहा है, उनको यहाँ सम्मानित किया गया है। 32 कृषकों को यहाँ पर जो है सम्मानित किया गया है। इसमें आपने देखा कि अपने जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उनको जो है सबको प्रशस्ति पत्र दिया गया। प्रथम पुरस्कार को इसमें 7,000 रुपये हैं और दूसरे वाले को 5,000 रुपये हैं। ये RTGS के माध्यम से किसानों के खाते में भेजा।